नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेवन गेम्स हिंदी के एक नए और बेहतरीन वीडियो के ऊपर। आज की दोस्तों ट्रिक थोड़ी सी छोटी और फटाफट होने वाली है, लेकिन बहुत ही मजेदार ट्रिक होने वाली है दोस्तों। देख के आपको बड़ा मजा आएगा और ये ट्रिक के अंदर एक स्टोरी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टोरी वाली ट्रिक है ये, तो उसको देखिएगा दोस्तों, समझिएगा, और इसका रिवील जो है हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन ट्रिक बड़ी मजेदार है दोस्तों, देख के आपको समझ भी आ सकती है कि क्या है, तो देखिए आखिर तक। और चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस ट्रिक को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और चलिए फटाफट, ये डैग मेरे हाथ में दोस्तों, पत्ते मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे अलग अलग पत्ते हैं। इसको हम जितना चाहे उतना दोस्तों यहाँ पे सफल भी कर सकते हैं, और कोई भी दोस्तों यहाँ पे आप सफल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे दोस्तों दर्शकों से भी सफल करवा सकते हैं, उल्टा करके भी आप यहाँ पे उल्टा सीधा करके भी इसको सफल कर सकते हैं, कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है। इसमें से अब दोस्तों मैं तीन पत्ते निकालने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये बादशाह आ गया, यहाँ पे गुलाम आ गया, और हम इसकी दोस्तों रानी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, लाल की रानी कहाँ है? ठीक है, लाल की रानी दोस्तों। तो ये तीन पत्ते हमने यहाँ निकाल दिए रेंडमली कहीं से भी। और दोस्तों स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला था, स्टोरी कुछ ऐसी है दोस्तों यहाँ पे कि ये जो बादशाह है, बादशाह की बेगम का दोस्तों सोने का और हीरो का हार यहाँ पे चोरी हो गया है। ठीक है, बादशाह की बेगम का हार यहाँ पे चोरी हो गया है। बादशाह गुलाम को यहाँ पे काम पे लगा रहा है कि चोर को ढूंढ रहा है। ठीक है, चोर को ढूंढना है। चोर को ढूंढने से पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ पत्ते हम निकाल देंगे, कुछ पत्ते हम यहाँ पे निकाल देंगे दोस्तों कि चोर को ढूंढने के लिए। यहाँ पे जो गुलाम को शक है दोस्तों, गुलाम को काफी सारे सिपाहियों के ऊपर शक है, तो सिपाही हम यहाँ पे निकाल देंगे दोस्तों। एक दो तीन चार पांच छह 15 सिपाही ये हो गए दोस्तों पहले टुकड़ी के। दूसरी टुकड़ी के हुए, तो दो टुकड़ी के दोस्तों सिपाही है जिसके ऊपर यहाँ पे गुलाम को शक है। लेकिन चोर कौन है दोस्तों? इसमें एक और यहाँ पे चोर है जो कि आपको दर्शकों से यहाँ पे पता लगवाना है, दर्शकों से पत्ता खींचवाना है। साथी कोई भी एक पत्ता खींचे और आप देख ले और यहाँ पे वीडियो में बता दे दोस्तों, जो भी पत्ता स्वाति यहाँ पे खींच रही है वो पत्ता यहाँ पे जो है वो चोर है। और जो यहाँ पे गुलाम को जो यहाँ पे शक है दोस्तों, स्वाति यहाँ पे साइड में आप पत्ता रख दीजिए जो भी आपने देखा है। अब ये जो दो टुकड़ी है उसमें से दोनों को आप दो दो में रेंडमली आप डिवाइड कर दीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे रेंडमली डिवाइड कर दिया, ओके, और इसको भी रेंडमली डिवाइड कर दिया दो में। ज्यादा ज्यादा पत्ते लेते तो अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चार टुकड़ी हो गई, दो दो की यहाँ पे चार टुकड़ी गुलाम ने कर दी है। और ये जो चोर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्वाति, इसको यहाँ से चार में से किसी भी एक के ऊपर रख दीजिए, चोर को यहाँ पे बीच में मिक्स कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, चोर यहाँ पे मिक्स हो गया, गुलाम को हम यहाँ पे रख देते हैं दोस्तों, जो चोर का पीछा करने वाला है। ये टुकड़ी दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर चली गई, गुलाम इसके ऊपर चला गया, और ये इसके ऊपर चला गया दोस्तों। ये अभी जो चोर पुलिस का खेल चलने वाला है, सारी टुकड़ियों के बीच में चोर भी है और गुलाम भी है। हम इसको एक दो करके दोस्तों दो यहाँ पे थप्पी बनाएंगे, दो यहाँ पे गड्ढे बनाएंगे, और जिस साइड पे गुलाम आएगा उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी को यहाँ पे दोस्तों साइड में कर देंगे। क्योंकि गुलाम जो है वो दोस्तों हीरो के हार के चोर के पीछे लगा हुआ है। क्या गुलाम दोस्तों यहाँ पे चोर के पीछे लगेगा? गुलाम इसमें था तो हमने दूसरे को साइड में कर दिया। और एक बार जब तक गुलाम यहाँ पे चोर को पकड़ नहीं लेता, हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे दोस्तों। और गुलाम जिसके पीछे जा रहा है, जिस टुकड़ी के पीछे गुलाम जा रहा है, वहीं पे चोर भी है दोस्तों। इसीलिए हम बाकी की टुकड़ियों को यहाँ पे साइड में कर देंगे, जहां पे गुलाम जा रहा है सिर्फ उसी के पीछे भागेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अब हो गया है फैसला। ठीक है, गुलाम ने आखिरकार चोर को यहाँ पे पकड़ लिया। ओह, गुलाम का ये तो सगा भाई निकला दोस्तों, ये तो घर में ही प्रॉब्लम है। गुलाम का ही सगा भाई दोस्तों यहाँ पे है, वो यहाँ पे चोर निकला जिसने रानी की यहाँ पे चोरी करी थी, हीरो का हार चुराया था दोस्तों, इसलिए हीरो का गुलाम निकला है यहाँ पे। स्वाति ने गजब पत्ता खींचा यहाँ पे। तो दोस्तों राजा खुश हो गया क्योंकि रानी खुश हो गई, रानी खुश हो गई क्योंकि हीरो का हार मिल गया। गुलाम थोड़ा दुखी है क्योंकि उसका भाई अभी जेल में जाने वाला है, लेकिन उसने राजा की यहाँ पे दोस्तों काम किया है तो उसको इनाम भी मिलेगा। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो?
ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही गजब का दोस्तों यहाँ पे पता निकला था, मैं भी खुद सरप्राइज हो गया हूँ, लेकिन बहुत मजा आया दोस्तों मुझे ये ट्रिक करने में। आपको देखने में कितना मजा आया ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों देखते रहिए 7 Facts हिंदी, और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।